हाय स्टूडेंट, डिजायर पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के वाराणसी चैप्टर को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आज इस चैप्टर को पूरी तरह से तैयार कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, यम विमल शरीर तरंगाया गंगाया कूले सिता, अस्य घट्टानां बल्लाकृति पंक्ति धल्लायां चंद्रिकायां भोराजते। वाराणसी सुविख्यात, वाराणसी जानते ही हैं। सुविख्याता, सुविख्याता मीन्स होता है बहुत अधिक प्रसिद्ध। सुविख्याता, विख्याता मीन्स विख्यात होता है और विख्यात मीन्स होता है प्रसिद्ध। वाराणसी अत्यंत ही प्रसिद्ध। प्राचीना, प्राचीना मीन्स होता है पुरानी। नगरी, नगरी मीन्स नगर, नगर वाराणसी अत्यंत ही प्रसिद्ध। प्राचीना, पुरानी, नगरी, नगरी है तो पहला लाइन क्या हो गया, वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध पुरानी नगरी है या नगर है। यम या विमल सलील तरंगाया, विमल सलील मीन्स होता है निर्मल और स्वच्छ या आप साफ सुथरी भी कह सकते हैं। तरंगाया, तरंगाया मीन्स तरंगों वाली, लहरों वाली, वेव वाली। यह साफ सुथरी तरंगों वाली या यह निर्मल और स्वच्छ तरंगों वाली गंगा या गंगा के कूले किनारे स्थिता स्थित है। यह साफ और सुथरी तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याह घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति धल्लायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। अस्याह इसके घट्टानाम घाट की, घट्टानाम इस घाट होता है, वलयाकृति वलय के आकार की गोलाकार पंक्ति ही पंक्तिया धल्लायाम चंद्रिकायाम स्वच्छ चांदनी में बहु बहुत अधिक राजते, राजते में सुशोभित होती है अर्थात इसके घाट की घुमावदार पंक्तियां चांदनी रात में बहुत ही अधिक सुशोभित होती है। ठीक है, इसके घाट की घुमावदार पंक्तियां चांदनी रात में बहुत ही सुशोभित होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। यम विमल सलील तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, यह साफ और सुथरी तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याह घट्टानाम बल्लाह कृति पंक्ति बल्लायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, इसके घाट की घुमावदार पंक्तियां चांदनी रात में बहुत अधिक सुशोभित होती हैं अर्थात बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज कीजिएगा। कहीं कोई किसी लाइन में प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा उसे पढ़ा दूंगा। आइए, अगणिता पर्यटका सुद्रभ्या देशभ्यम नित्रम अत्र आयन्ति, अस्याः घट्टानाम या अस्य घट्टानाश्च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशसन्ति। ठीक, ये कंप्लीट हो जाएगा पैसेज, यहां पे देखते हैं। अगणिता, रटना नहीं है आपको, अगणिता, अगणित, अगणित मतलब जिसकी गणना आप ना कर सके, असंख्य। पर्यटक, पर्यटक। सुदरभ्य दूर दूर, देशभ्य देशों से, नित्यम हमेशा, अत्र यहां, आयन्ति आते हैं। असंख्य पर्यटक दूर दूर देशों से हमेशा यहां आते हैं। अस्या इसके घटानाश्च, यहां पे च लिखा है ना, च मीन्स होता और, मैं आपको बताया था च मीन्स और इसके घाट की, घटानाश्च लिखा है गाय, इसके घाट की शोभाम, शोभा को, सुंदरता को, विलोक्य, विलोक्य मीन्स होता है देखना, देख कर, इमाम इसकी, बहु बहु मतलब बहुत बहुत अधिक, प्रशसंती प्रशंसा करते हैं, प्रशसंती में सोता है प्रशंसा करना। एक साथ देखिए, असंख्य पर्यटक दूर दूर देशों से हमेशा यहां आते हैं और इस घाट की शोभा को देखकर इसकी बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं।
पहला पैसेज क्लियर हुआ, लास्ट में मैं एक बार रिवाइज करूंगा, पहले आप आराम से देखते रहिए। नेक्स्ट, वरावस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्यायाम दिव्यम ज्योति दुद्यते अधुना अपि अत्र संस्कृत वागधारा सततम प्रवति जनानांश्च ज्ञानांश्च वर्धते। क्या लिखा है? वाराणस्याम, वाराणसी में प्राचीन काला देव, प्राचीन काल से ही, एव लिखा है ही, प्राचीन काल से ही गेहे गेहे, गेहे गेहे मतलब गृह की बात हो रही है, और गृह मीन्स क्या होता है? घर होता है, भवन होता है, सदन होता है, निकेतन होता है, ठीक है, ये सब प्रवाची है किसका? घर का, घर भवन सदन निकेतन आवास, ये सब क्या है? घर का प्रवाची है। और वाराणसी में प्राचीन काल से ही गेहे गेहे घरों घरों में विद्यायाम विद्या की दिव्यम अलौकिक ज्योति ज्योति दुद्यते जलती है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घरों घरों में विद्या की दिव्य ज्योति जलती है। अधुना अपि, अधुना मीन्स आज, अपि मतलब भी, आज भी अत्र यहां संस्कृत वांगधारा, संस्कृत वाणी, संस्कृत साहित्य सततम हमेशा प्रवहती बहती रहती है। आज भी यहां संस्कृत वाणी जो है, संस्कृत भाषा जो है, आज भी यहां हमेशा क्या रहती है? बहती रहती है। और बहती ही नहीं है, जनाश्च, जनाश्च मीन्स लोगों के, जनानाम लोगों के, ज्ञानाश्च च मीन्स और लोगों के ज्ञान मतलब ज्ञान को वर्धति, वर्धत मीन्स बढ़ाती है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घरों घरों में विद्या की दिव्य ज्योति जलती है, और आज भी यहां संस्कृत धारा, संस्कृत साहित्य, संस्कृत वाणी हमेशा प्रवाहित होती रहती है, बहती रहती है, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। आइए नेक्स्ट आगे की ओर देखते हैं। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्यः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालय सन्ति। येषु नवीनानां प्राचीनानाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययने प्रचलतः। अत्र, अत्र मीन्स यहां, अनेके अनेक, आचार्या आचार्य, मूर्धन्या मूर्धन्य, विद्वांस विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक वाङ्मयस्य मतलब वैदिक साहित्य को जानने वाले, अध्ययने अध्ययन के लिए, अध्यापने अध्यापन के लिए, पढ़ाने के लिए, इदानीम निरताः यहां लगे रहते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है, यहां अनेक प्रकार के कौन? आचार्य, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यहां पे अनेक प्रकार के आचार्य, मूर्धन्या मीन्स अनेक प्रकार के आचार्य, मूर्धन्य विद्वान, और वैदिक साहित्य को जानने वाले अध्ययन के लिए और अध्यापन के लिए यहां हमेशा लगे रहते हैं। ना केवलम भारतीय, ध्यान दीजिएगा, ना केवल भारतीय मीन्स भारतीय, ना केवल भारतीय, अपितु, अपितु मीन्स होता है बल्कि, ना केवल भारतीय बल्कि वैदेशिका विदेशी भी, गीर्वाणवाण्या, गीर्वाणवाणी मतलब होता है देवताओं की भाषा, और देवताओं की भाषा मीन्स होता है संस्कृत भाषा। कहा जा रहा है कि ना केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी गीर्वाणवाणी को अर्थात संस्कृत भाषा के अध्ययनाय अध्ययन के लिए अत्र यहां आगच्छन्ति आते हैं। ना केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा को सीखने के लिए या संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहां आते हैं, और आते ही नहीं क्या करते हैं? निःशुल्कम, निःशुल्क में बिना किसी शुल्क के, बिना किसी फीस के
च और निःशुल्क में ही विद्याम विद्या को ग्रहणंति ग्रहण करते हैं और निःशुल्क में ही बिना किसी फी के ही शिक्षा को ग्रहण करते हैं, विद्या को ग्रहण करते हैं। क्लियर हुआ? अत्र अनेक के ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन आंसर भी पूछता है, आराम से पढ़िए, आप क्वेश्चन आंसर इजीली कर ले जाएं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालय सन्ति। अत्र मीन्स यहां, कई बार बता चुका हूं, कौन कौन? हिंदू विश्वविद्यालय, सेकेंड संस्कृत विश्वविद्यालय, थर्ड काशी विद्यापीठ, इत्येते इस प्रकार के त्रयः, तीन, त्रय मीन्स तीन विश्वविद्यालय सन्ति हैं। यहां हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इस प्रकार के तीन विश्वविद्यालय हैं। येसु जिनमें नवीना नाम नए, प्राचीना नाश्च, च मीन्स बताए थे और प्राचीना मीन्स पुराने, ज्ञान विज्ञान विषयाम, ज्ञान और विज्ञान के विषयों का, जिनमें नए और पुराने ज्ञान और विज्ञान के विषयों का अध्ययन अध्ययन प्रचलित प्रचलित है, जिनमें नए और पुराने ज्ञान और विज्ञान के विषयों का अध्ययन क्या है? प्रचलित है। क्लियर हुआ? एक बार फिर से इस पैसेज को मैं रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ये पहला चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं, आपके एग्जाम में लगभग अल्टरनेट करके हर साल पूछता है, कई कोड बनते हैं पेपर के, तो किसी ना किसी कोड में ये 100% रहता है इस चैप्टर से, इसलिए इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लीजिए, जिससे कि आपका जो भी नंबर है वो फिक्स हो जाए और आपको किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आइए देखते हैं क्या लिखा। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य वैदिक वांगमस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीम निरता। कहा जा रहा है यहाँ अनेक प्रकार के आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, मूर्धन्य मतलब होता है उच्च कोटि के विद्वान, यहाँ अनेक प्रकार के आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वांगमस्य, वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए और अध्यापने अध्यापन के लिए, इदानीम निरता यहां लगे रहते हैं, करके यहां अनेक प्रकार के आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए और अध्यापन के लिए लगे रहते हैं, ना केवलम भारतीय अपितु वैदेशिक गिर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्रम आगच्छन्ति, ना केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी गिर्वाणवाणी के अध्ययन के लिए अर्थात संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क में ही विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालय सन्ति। यहां हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इस प्रकार के तीन विश्वविद्यालय हैं। येसु नवीना नाम प्राचीनानाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययने प्रचलित, जिनमें नए और पुराने ज्ञान और विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। आगे समझ में आपको, तो ढंग से इसको पढ़िए, फिर भी नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिएगा और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह बेहतर से बेहतर पहली बार में ही मैं कर दे रहा हूं, एक एक वर्ड आपको समझा रहा हूं, दोबारा रिवाइज कर रहा हूं कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। थोड़ा सा ध्यान देना, संस्कृत बहुत ही आसान है बच्चों। सानगरी भारतीय संस्कृत, संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, इत एव संस्कृत वांगमस्य संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध, मुगल युवराज दारासिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत् यत् तेन उपनिषदानाम अनुवाद पारसी भाषायां कारितः। ऐसा नगरी, ऐसा नगरी मीन्स यह नगरी, क्या लिखा है? ऐसा नगरी, यह नगरी क्या है? देखिए, यह नगरी भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति मीन्स भारतीय संस्कृति का, और संस्कृत भाषायाश्च
और क्या चौमिंस और संस्कृत भाषा का यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की क्या है केंद्र स्थलम अस्ति केंद्र स्थली है। इसे समझ लीजिए क्या कह रहा है कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है सेंटर है। याद रखिएगा यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वांगमस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र स्पृहते करा यहां यहीं से इत एव इसका होता है यहीं से कौन यहीं से संस्कृत वांगमस्य साहित्य यहीं से संस्कृत साहित्य संस्कृतेश्च और संस्कृत आलोक पूरे संसार में सर्वत्र हर जगह प्रसिद्ध फैला हुआ है यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत संसार में हर जगह फैला हुआ है। याद रखिएगा क्या कह रहा है कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत संसार में हर जगह फैला हुआ मुगली विराज दारा सिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत कौन मुगल युवराज क्या नाम था उसका दारा सिको अत्रागत्य यहां आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम मीन्स दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करोत किया मुगल युवराज दारा सिको यहां आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदानाम् अनुवादः पारसी भाषायाम् कारितः स तेषां ज्ञानेन वह इसके ज्ञान से तथा प्रभावितः इतना अधिक प्रभावित हो गया इतना अधिक प्रसन्न हो गया कि इसने इन उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कारितः करा दिया करके हुआ इस ज्ञान से यहाँ के ज्ञान से भारतीय दर्शन शास्त्रों के ज्ञान से इतना अधिक प्रभावित हो गया कि वह इसका अनुवाद पारसी भाषा में करवाया। इसे एक बार देख लीजिए ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत है संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलमस्ति यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वांगमस्य संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत संसार में हर जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा सिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् मुगल युवराज दारा सिको यहां आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदानाम् अनुवादः पारसी भाषायाम् कारितः वह इसके ज्ञान से यहाँ के ज्ञान से इन उपनिषदों के ज्ञान से दर्शन शास्त्रों के ज्ञान से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि इन उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करवाया। आइए नेक्स्ट लिखा कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वयान विचाराणां प्रासारयन् न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयम नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कृते लोके विश्रुत्वा अत्रत्या कोशे साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। लिखा इयम नगरी यह नगरी विविधानाम अनेक प्रकार के विविध धर्माणाम अनेक प्रकार के धर्मों की करके यह नगरी क्या है विविधा धर्माणाम विविध धर्माणाम मीन्स विविध मीन्स होता है अनेक धर्माणाम मतलब धर्मों की यह नगरी अनेक प्रकार की धर्मों की क्या है संगम स्थली यह नगरी अनेक प्रकार के धर्मों की संगम स्थली है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा विविध धर्माणाम संगम स्थली अभी क्वेश्चन आएगा बताऊंगा आपको कि यह नगरी अनेक प्रकार के धर्मों की क्या है संगम स्थली है।
महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य च, च मिस और, अन्य मिस अन्य, और अन्य, बहवः, बहुत सारे, महात्मनः, महात्मा, अत्रागत्य, यहां आकर, अत्रागत मिस यहां आकर, स्वयान, अपने, विचारान, विचारों को, प्रसारण, प्रसारित किए, फैलाएं। कहा है कि महात्मा गौतम बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और अन्य बहुत सारे महात्मा यहां आकर अपने विचारों को फैलाएं, अर्थात उपदेश दिए, ज्ञान दिए। इन सब का नाम यहां पे लिखा गया है, फैलाएं, ज्ञान दिए, ठीक है। प्रसार मतलब प्रसार करना, प्रसार करना मतलब फैलाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारक ना केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयम नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्चक्रते लोके विस्तृतः। कर ना केवलम दर्शने, ना केवल दर्शन में, कर ना केवले दर्शने, ना केवल दर्शन में, साहित्य, साहित्य में, धर्मे, धर्म में, अपितु, अपितु मिस होता बल्कि, कला क्षेत्रे अपि, कला क्षेत्र में भी, अपि मिस होता है भी, ना केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला क्षेत्र में भी। फिर से एक बार समझ लीजिए, ना केवल दर्शन में, साहित्य में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला क्षेत्र में भी। यह क्या है? यम नगरी, यम नगरी मीन्स यह नगर, यम नगरी यह नगर, ध्यान दीजिएगा, यह नगर। विविधा नाम अनेक प्रकार की, कला नाम कलाओं के लिए, शिल्पा नाश च मीन्स और शिल्प कलाओं के, कृते के लिए, लोके संसार में, विश्वता प्रसिद्ध है। ना केवल, ध्यान दीजिएगा, आसान है बिल्कुल, ना केवल धर्म, ना केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगर अनेक प्रकार की कलाओं और शिल्प कलाओं के लिए संसार में फेमस है, प्रसिद्ध है। आगे समझ में आपको, अत्रत्य कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रत्यः यहां की, कौशे साटिका, कौशे साटिका मिस होता है बच्चों साड़ियों की बनावट, कौशे साटिका मिस क्या होता है? साड़ियों की बनावट। खरा के अत्रत्यः यहां की, कौशे साटिका साड़ियों की बनावट। कहा लिखा है कि देशे देशे, देश देश में, अर्थात हर जगह, सर्वत्र हर जगह, स्पृहन्ते, स्पृहन्ते मिस होता है स्वीकार की जाती है। यहां के साड़ियों की बनावट देश देश में हर जगह पसंद की जाती है। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार इस लाइन को, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में भी पूछता है। अत्रत्या यहां की, कौशे साटिका साड़ियों की बनावट, देशे देशे प्रत्येक देश में, अर्थात देश विदेश में, स्पृहन्ते पसंद की जाती है, ठीक है। यहां के साड़ियों की बनावट देश देश में मतलब देश विदेश में स्पृहन्ते की जाती है, अर्थात हर जगह पसंद की जाती है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आइए, लिखा है कि यम नगरी विविधा धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहव महात्मा अत्रागत्य स्वयान विचारान प्रसारण। यह नगरी अनेक प्रकार के धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत सारे महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाएं। ना केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक प्रकार की कलाओं के लिए और शिल्प कलाओं के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्यः कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। यहाँ के साड़ियों की बनावट
देश देश में अर्थात देश विदेश में हर जगह पसंद की जाती है, स्वीकार की जाती है, अपनाई जाती है। अरे नेक्स्ट देखते हैं, अत्रत्यः प्रसृत मूर्तयः प्रथितः। अत्रत्यः यहां की, प्रस्तर पत्थर की, मूर्तयः मूर्तियां प्रथितः प्रसिद्ध है। यहां के पत्थर की मूर्तियां भी क्या है, प्रसिद्ध है। इयम् निजाम प्राचीन परंपरां इदानीमपि परिपालयति। इयम् यह निजाम अपनी प्राचीन परंपरां, प्राचीन परंपरा का इदानीम अपि आज भी क्या करती है, परिपालयति पालन करती है। यह अपनी प्राचीन परंपरा का आज भी क्या करती है, पालन करती है। यह अपनी प्राचीन परंपरा का आज भी, आज भी मतलब इस समय भी क्या करती है, पालन करती है। क्लियर हो? यह अपनी, एक एक वर्ड देख लीजिए, कुछ भी रटना नहीं है। यह निजाम अपनी प्राचीन परंपरा का, पुरानी परंपराओं का आज भी परिपालयति पालन करती है। यह अपनी प्राचीन परंपराओं की, पुरानी परंपराओं की आज भी पालन करती। तथैव गीयते कवि, जिसके गीत को गाते हुए कवि भी मतलब कवि कहते हैं, जिसके गीत को कवि गाते हैं या जिसके गीत को गाते हुए कवि कहते हैं, इसलिए कवियों के द्वारा गीत गाया गया है। बातें की इस लाइन को देख लीजिए, कुछ भी रटना नहीं है। फिर बोल रहा हूं, अत्रत्या यहाँ की, प्रसत मूर्तियां पत्थर की मूर्तियां प्रथिता प्रसिद्ध है। यहाँ के पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध है। इयम् निजाम प्राचीन परंपराणाम इदानीमपि परिपालयति। यह अपनी पुरानी परंपरा का आज भी पालन करती है। तथैव गीयते कवि भी, जिसके गीत को कवि गाते हैं या जिसके, इसलिए कवि के द्वारा गीत गाया गया है। बात एक ही है, क्या गीत गाया उन्होंने, देखिए बहुत ही अच्छा। ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं श्लोक है, ये अलग से पूछता है आपके एग्जाम में, अलग से भी आ सकता है श्लोक में। मरण मर देखिए, मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपिनम यत्र कोशेयम काशीकेन मीयते। ये थोड़ा गलत लिखा है, कुछ वर्ड इसमें गलत हो गए हैं, कोई बात नहीं, आपके सामने किताब है, आप उसमें देख लीजिए क्या लिखा है, फिर सुन लीजिए। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपिनम यत्र कोशेम साकाशी केन मीयते। तो दो जगह पे मिस्टेक है, केनो मपायते ये लिख दिया है गलत है, और भूषणम की जगह विभूषणम। मैंने इसीलिए मैंने दो बार पढ़ दिया, फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, सुनिए। मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपिनम यत्र कोशेम साकाशी के नमीयते। तो ये लिखा है किताब में, देखिएगा मैंने तीन बार दो बार इसलिए पढ़ा कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए देखते हैं, मरणम पहला वर्ड लिखा है, मरणम मंगलम, मंगलम मरणम मंगल, लोग कहते हैं मंगल हो रहा है, मंगल मंगल मतलब कल्याण, कल्याण मतलब शुभ, शुभ मीन्स अच्छा। मंगलम मरणम, जहां मंगल है क्या, मरणम मरणम इस मरना, जहां मरना भी क्या है, मंगल माना जाता है, शुभ माना जाता है। यत्र विभूतिश्च, इसमें विभूतियत्रम लिखा है, विभूतिश्च होगा, जहां मरना भी क्या माना जाता है, मंगल माना जाता है। मरणम मंगलम यत्र, यहां मरना उल्टा कर दीजिए, यत्र यहां मरणम मरना भी मंगलम मंगल माना जाता है, जहां मरना भी क्या माना जाता है, मंगल माना जाता है। विभूतिश्च विभूषणम, विभूतिश्च विभूषणम, विभूति विभूति मिस होता है बच्चों भस्म, भस्म को हम विभूति बोलते हैं, राख बोलते हैं। भूषणम आभूषण है, और जहां राख ही क्या है, आभूषण है। कर मरणम मंगलम, जहां मरना ही क्या है, यहां मरना भी लाभकारी है, शुभकारी है, कल्याणकारी है, और भस्म ही विभूति, विभूति मतलब होता है भस्म, और भस्म ही राख ही क्या है, आभूषण है। कौपिनम यत्र कोशयम, कौपिनम कौपिनम मिस क्या होता है, कौपिनम लिखा है, कौपिनम मिस होता है बच्चों रेशमी वस्त्र, लंगोट बोलते हैं वास्तव में, कोपिनम इसका होता है लंगोट,
कौपिनम यत्र कोशे, ध्यान दीजिएगा कौपिनम लंगोट कोसे एम, अब कोसे एम लिख दिया तो रेशमी वस्त्र क्या होता है रेशमी कपड़ा, जहां कौपिनम कौपिन है लंगोट, यत्र यहां है कोसेम रेशमी वस्त्र, जहां लंगोट ही क्या है रेशमी वस्त्र है। सा काशी केन, यहां थोड़ा गलत लिखा है ध्यान दीजिएगा, सा काशी केन मियते, सा वह काशी केन किसके द्वारा मियते मापी जा सकती है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है अर्थात वह काशी किसी के द्वारा मापी नहीं जा सकती। जहां मरना भी मंगलकारी है, जहां भस्म ही रेशमी, जहां भस्म ही आभूषण है, जहां लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, ऐसी काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है अर्थात ये काशी किसी के द्वारा मापी नहीं जा सकती है अर्थात काशी क्या है अतुलनीय है अर्थात इसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा चैप्टर भी और जो अभी मैंने श्लोक पढ़ा ये भी, बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। मैं फिर बोल रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो इस चैप्टर को मैंने पूरा पढ़ा दिया, आप ढंग से इसको पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आता है आप मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपके उस सस्पिशन को भ्रम को प्रॉब्लम को समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बच्चों लोग मुझे पाठक कहते हैं तो पाठक नाम है मेरा, लोग मुझे पाठक कहते हैं तो पाठक नाम है मेरा, और सभी बच्चों को हिंदी सिखला दो यही पैगाम है मेरा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में डिजायर पॉइंट के नेक्स्ट एपिसोड में, आप सभी के खिलखिलाते मुस्कुराते स्माइल करते हुए चेहरे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी समस्या को हल कैसे करना है। देखिए आपके जितने सब्जेक्ट चल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं जैसे कि हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो एसएसटी, ये सब सब्जेक्ट की क्लासेस आपको लाइव मिल जाए, और तो और इनकी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाए, अर्थात लाइव क्लासेस तो मिले ही साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाए, यानी पूरे कोर्स की रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाए और लाइव क्लासेस मिल जाए, अर्थात आप जब चाहें जितना चाहें जैसे चाहें पढ़ सकें, कोई दिक्कत ना हो आपको, अगर आप ये सुविधा चाहते हैं। दूसरी नोट्स, भाई नोट्स बनाने में बड़ा लंबा समय खर्च होता है, पूरा दिन बैठ के लिखते रहते हैं, हाथ दर्द करने लगता है लेकिन नोट्स खत्म नहीं होते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स भी मिल जाए, नोट्स बनाने की झंझट से भी आपको मुक्ति मिल जाए, नोट्स भी आपको पीडीएफ में मिल जाए, आराम से बने बनाए नोट्स मिल जाए, आप आराम से सिर्फ पढ़ें। तीसरी चीज डाउट्स, क्लास में डाउट्स नहीं पूछ सकते, डाउट्स पूछते भी हैं तो डर लगता है कि बाकी के बच्चे कहीं हमको अनपढ़ ना समझ लें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में अगर पढ़ते समय कोई डाउट्स है और लाइव क्लास के दौरान आप नहीं पूछ सके उस डाउट को, बाद में आप उन डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, ऐसी भी सुविधा आपको मिल जाए। और तो और आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो पढ़ते समय नोट्स बनाते समय, या फिर पढ़ाई कैसे करनी है, या फिर ऐप में या फिर टेलीग्राम में नोट्स प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा मदद भी मिल जाए। तो ये सारी सुविधाएं यानी लाइव क्लासेस नोट्स डाउट्स क्लियर होंगे आपकी मदद की जाएगी, ये सारी सुविधा अब आपको हमारे मेधा अकेडमी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। डिजायर पॉइंट भी मेरा है, मेधा अकेडमी भी मेरा है, लेकिन खासियत मेधा अकेडमी की ये है कि मेधा अकेडमी पर सारी क्लासेस लाइव हो सकती हैं, इसीलिए मैंने ये ऐप बनवाया है। ठीक है, इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करिए, वहां पर जाकर रजिस्टर कर लीजिए और ऐप में लॉगिन हो जाइए, ऐप में आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। ठीक है, मेधा अकेडमी ध्यान दीजिएगा भैया, डिजायर पॉइंट भी आपका अपना है, ठीक है, और मेधा अकेडमी भी आपका अपना है। ठीक, बस मैंने क्या किया कि मुझे बच्चों को लाइव क्लासेस देनी थी और डिजायर पॉइंट का जो ऐप था उसकी टेक टीम इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो लाइव क्लासेस दे सके, इसीलिए मैंने एक नया ऐप बनवा दिया और उस ऐप का नाम है मेधा अकेडमी। ठीक है, ऐप का लोगो ये है, प्ले स्टोर से आपको मेधा अकेडमी सर्च करके भी आप
डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी तरह की मदद चाहिए तो नीचे नंबर लिखा है या फिर स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा है 9151755595। इस नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हर तरह से आपकी मदद की जाएगी। धन्यवाद।